हेलो गाइस, आई एम राहुल रिहाल, मैकेनिकल ट्रेनर इन इन्फोबिज। सो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे अपीयरेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने अपीयरेंस नहीं लगाई थी, अपीयरेंस में जाऊंगा। अपीयरेंस पे एडिट अपीयरेंस होती है या अपीयरेंस पे जाएंगे, इसको कलर करना है हम लोगों ने। तो मैंने कोई कलर पिक करा, जैसे तो बॉडी पे आप लोग देख रहे होंगे कि कलर हो चुका है। आप कोई भी कलर इस पे चूज करके लगा सकते हैं। देखिए, अब मुझे इसको ओके कर देना है। बॉडी पे कलर हो चुका है, मुझे इसको पूरा कट करना है, सारा ये कट कर देना है। मैं एडिट फीचर में जाऊंगा, यहाँ पे वैल्यू क्या करूंगा, थ्रू ऑल कर दूंगा सारा ही। थ्रू ऑल करने के बाद वो होल हो गया उस ऑब्जेक्ट पे। इसके बाद हम लोग इसमें कोई भी अपीयरेंस जैसे कलर देना चाहते, कोई भी बॉडी अप्लाई सीन जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे हम लोगों के पास मेटेलिक मटेरियल देना है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे अपीयरेंस में जाते हैं। अपीयरेंस में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करके, जैसे कोई भी सॉलिड पार्ट है हमारे पास, उसको हम लोगों ने कोई भी मटेरियल देना है मेटल का। मैं भी इस मटेरियल देता हूँ एल्यूमिनियम या ब्राउन, जो भी आप लोगों को, मैं कॉपर ले लेता हूँ। कॉपर के जितने भी मटेरियल है मेरे पास यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। मैं क्या करता हूँ, कोई भी कास्ट कॉपर उठा लिया मैंने, इस पे पेस्ट कर दिया। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें मटेरियल लग गया है। ओके करूंगा। सो नेक्स्ट, इसके बाद आती है हमारे पास रिवोल्व। रिवोल्व क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट को रिवोल्व करना। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको कट करूंगा, डोंट सेव। देन इसके बाद न्यू पार्ट पे क्लिक करके पार्ट ओपन करूंगा। पार्ट ओपन कर दिया हम लोगों ने। अभी फ्रंट प्लेन पे स्केच करा मैंने। तो गाइस, रिवॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास सबसे पहले एक सेंटर लाइन आती है। सेंटर लाइन लगाएंगे हम लोग ऑब्जेक्ट में। अब मैं एक प्रोफाइल बनाता हूं। कोई भी एक प्रोफाइल मैंने ड्रॉ कर दी, आप लोग भी करके देखिएगा। मैंने ये प्रोफाइल ड्रॉ कर दी है। अब मुझे इसको रिवॉल्व करना है। हाफ प्रोफाइल बनाई है, इसको 360 डिग्री पे रिवॉल्व करना है या 270 पे। एग्जिट करूंगा मैं, रिवॉल्व फीचर्स पे जाके यस कर देना है। देखिए, वो रिवॉल्व हो चुका है। आप देख रहे होंगे एक्सेस ऑफ रिवॉल्यूशन, जिस एक्सेस के थ्रू वो हुआ है वो है सेंटर लाइन। मैं इसको डिलीट कर दूं तो ये रिवॉल्व नहीं होएगा। अभी देखना, ये देखिए, अगर मैंने इस लाइन को लिया तो वो उस साइड को रिवॉल्व हो रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको फिर से क्लियर कर दूंगा। मैं इसको सेंटर लाइन से लूंगा 360। अगर इसको 270 करना है 270 भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए, हाफ पोर्शन कटेगा उसका, दोनों साइड से फीचर्स आ जाएंगे। अगर इसको 180 करना है 180 कर दीजिए, हाफ हो जाएगा। अब मैं इसको 360 कर देता हूँ फिर से, ओके करूंगा। तो हमारे पास रिवॉल्व हो गया फीचर। अभी मुझे इसका सेक्शन व्यू देखना है। तो सेक्शन व्यू देखने के लिए मेरे पास आता है सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू पे क्लिक करा, ये देखिए इसका सेक्शन व्यू दिखेगा। जो हाफ पोर्शन 180 डिग्री में देखना था, मैं कर रहा था, मैं वो आप लोगों को यहाँ पे सेक्शन व्यू में दिख जाएगा इसका हाफ व्यू, बीच में से कैसा है वो। ठीक है जी, ओके। अब इसको वापिस से एक बार और, अब इसके बाद हम लोगों के पास आती है रिवॉल्व कट। सो गाइस, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक नट बना के रिवॉल्व कट करके दिखाऊंगा। थैंक यू।